नमस्कार, जनता दरबार में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा। खबरें एक झलक में नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना 18 किलोमीटर रफ्तार से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार सुबह ओडिशा के भद्रक से बारिश शुरू हो गई है। तूफान 24 अक्टूबर की देर रात करीब 2 बजे भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा फोर्ट के पास लैंड करेगा। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपंथ वन सिंह पन्नू ने अपनी जान को खतरा बताया। एक कनाडाई चैनल को दिए इंटरव्यू में पन्नू ने भारत सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा, मेरी मौत मेरे माथे पर लिखी है। पन्नू ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का हवाला देते हुए भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा ने मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर सर्वेश्वर शर्मा गब्बर कटारा के नेतृत्व में भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ। विप्र योद्धाओं ने ओझा जी का साफा माला और फूलों से स्वागत किया। फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर द्वारा रणथंबोर में आयोजित सम्मान समारोह में देश के सबसे बड़े जन औषधि केंद्र को फ्रेंड्स ऑफ फोर्टिस सम्मान से नवाजा गया। फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल ने अपने 17वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया। समारोह में कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने उपचुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेकर आगामी कार्यों के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजननाथ शर्मा के कार्यों के आधार पर भाजपा सभी 60 सीटों पर उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। विपक्षी दल ने चुनाव में भ्रम फैलाया, लेकिन जनता के समर्थन से भाजपा फिर विजयी हुई। भाजपा के 3 प्रत्याशी आज भरेंगे अपना नामांकन। सबसे पहले झुंझुनू से राजेंद्र भांबू नामांकन सभा के बाद सीधे जाएंगे नामांकन स्थल। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे साथ। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की 101वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शेखावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। देवनानी ने शेखावत को जनहितैषी और विकास में अहम भूमिका निभाने वाले महान स्टेट्समैन के रूप में याद किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को SMS अस्पताल के बांगड़ और ट्रोमा सेंटर में पहुंचकर घायलों के स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली। अजमेर के घायलों ने देवनानी को बताया कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए अजमेर से 40 लोगों का दल बस से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, तब दुर्घटना हुई। सलमान खान को धमकाकर 5 करोड़ रुपए की मांग करने वाले शेख हुसैन शेख मोहसिन को मुंबई की वर्ले पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार किया। बुधवार 23 अक्टूबर को हुई गिरफ्तारी के बाद आज मोहसिन को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे में खेला जा रहा है। गुरुवार को न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 2 विकेट पर 92 रन बनाए। डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र नावाल है। कॉनवे 15 से महज 3 रन दूर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।